हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश सेंसवार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनटू के यूज के बारे में, जो कि एक प्रेपोजिशन है। गाइस, इनटू का मतलब होता है के अंदर या फिर में। वैसे तो हम के अंदर या फिर में के लिए प्रेपोजिशन इन या फिर इनसाइड का यूज़ भी करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में हमें इनटू का यूज़ करना होता है, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। अक्सर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि वो सेंटेंस में इन लगाएं या फिर इनटू लगाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये अक्सर पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं कि इनटू का यूज कब किया जाता है। गाइस, इनटू का यूज हम दो कंडीशंस में करते हैं। पहला होता है एक्शन या फिर हम कह सकते हैं मूवमेंट के अर्थ में, और दूसरा होता है रूप परिवर्तन के अर्थ में। मतलब एक तो हम इनटू तब लगाते हैं जब किसी चीज के या फिर किसी इंसान के एक्शन करते हुए अंदर आने या फिर जाने की बात होती है, और दूसरा तब जब किसी चीज़ के या फिर किसी इंसान के रूप में परिवर्तन होने की बात होती है। तो कुल मिलाकर इनका यूज़ होता है पोजीशन बताने के लिए और इनटू का यूज़ होता है एक्शन या फिर रूप परिवर्तन बताने के लिए। जैसे कि उसका मोबाइल जेब में है, हिज मोबाइल इज़ इन पॉकेट। यहाँ पर हमने इन लगाया है क्योंकि यहाँ पर मोबाइल की पोजीशन बताई जा रही है। मोबाइल जेब में है मतलब यहाँ पर कोई एक्शन या फिर रूप परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम बोले वह अपना मोबाइल जेब में रख रहा है, तब हम इनटू लगाएंगे। ही इज़ पुटिंग हिज मोबाइल इनटू पॉकेट। यहाँ पर हमने इनटू इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर एक्शन हो रहा है, मतलब मूवमेंट हो रहा है। वो मोबाइल को जेब में रख रहा है, चाहे वो कैसे भी रखे, उछाल कर रखे, फेंक कर रखे, आराम से रखे, कैसे भी रखे, लेकिन एक्शन हो रहा है। आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि इनटू का यूज़ और अच्छे से समझ में आ जाए। उसने नदी में छलांग लगाई, यहाँ पर छलांग लगाने की बात हो रही है, मतलब एक्शन की बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है, इसलिए इनटू का यूज़ किया जाएगा। ही जंप्ड इनटू द रिवर। इनटू हमने मे के लिए लगाया है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। वह कमरे में गई, यहाँ पर भी इनटू आएगा क्योंकि एक्शन हुआ है, मूवमेंट हुआ है, चाहे वो चलकर कमरे में गई, उछलकर कमरे में गई, उड़कर गई, भागकर गई, कैसे भी गई, एक्शन तो हुआ है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी शी वेंट इनटू द रूम। अगर हम बोलते वह कमरे में है, तब हम इन लगाते। वह बाल्टी में पानी डाल रही है, शी इज पोरिंग वाटर इनटू द बकेट। वो बाल्टी में पानी डाल रही है मतलब एक्शन हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इनटू लगाया है। एक गाय गली में भाग गई, अ काउ रैन इनटू द स्ट्रीट। यहाँ पर भी भागना एक एक्शन हुआ है, इसलिए इनटू लगाया है। मैंने गार्डन में एक गंदे कुत्ते को आते हुए देखा, आई सॉ अ डर्टी डॉग कमिंग इनटू द गार्डन। यहाँ पर डॉग के आने की बात हो रही है, मतलब एक्शन की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर मैं के लिए इनटू लगाया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इनटू का यूज़ हम दो कंडीशन में करते हैं, एक्शन या फिर मूवमेंट के अर्थ में और रूप परिवर्तन के अर्थ में। एक्शन वाले एग्जाम्पल तो हम कर चुके हैं, चलिए अब रूप परिवर्तन वाले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दूध पनीर में बदल जाता है, यहाँ पर दूध के पनीर में बदलने की बात हो रही है, मतलब रूप परिवर्तन की बात हो रही है, इसलिए इनटू का यूज़ किया जाएगा। तो हमारा सेंटेंस होगा मिल्क टर्न्स इनटू चीज़। दूध दही में बदल रहा है, मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड। क्या तुम इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो? यहाँ पर भी रूप परिवर्तन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम सेंटेंस को अदर लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की बात कर रहे हैं। कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी? उस शर्ट का रंग पीले रंग में बदल गया, कलर ऑफ दैट शर्ट चेंज्ड इनटू येलो कलर। आप केवल येलो भी बोल सकते हैं क्योंकि सेंटेंस में अंडरस्टूड है कि कलर की बात चल रही है, और कलर वर्ड एक बार पहले भी आ चुका है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने दो मेन बातें सीखी। पहली, इनका यूज़ किसी भी चीज़ या फिर इंसान की पोजीशन बताने के अर्थ में होता है, और दूसरी, इनटू का मतलब होता है में या फिर के अंदर, और इसका यूज़ दो कंडीशंस में होता है। पहला, एक्शन या फिर मूवमेंट की बात करने में, और दूसरा, रूप परिवर्तन की बात करने में।
तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इनसाइड और इनके यूज के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।